जैसे ही कुछ भक्त यहाँ गौ सेवा धाम में गौ माताओं को चारा या गुड़ खिलाने के लिए आते हैं, सभी जो भी आप देख रहे हैं सभी गौ माता बड़ी प्रेम से भागी हुई दौड़ी हुई इधर आती हैं और उनके द्वारा जो भी उनके भाव गुड़ के रूप में चारे के रूप में यहाँ खिलाया जाता है उनको बड़े ही प्रेम से खाती हैं। और ऐसे ही कुछ भक्त यहाँ हमारे बीच में आए हैं जो कि गौ माताओं को अभी गुड़ खिला रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ, दो तीन दिन से हमारा लगातार बड़ा ही क्रिटिकल काम चल रहा है क्योंकि जो टीन सेड अंदर वाला था वो हम लोग उसकी टीन सेड बदल रहे हैं, तो पूरी गाय बाहर ही शिफ्ट कर दी गई हैं और वहीं जो आईसीयू वार्ड था वो पूरा वार्ड यहीं पर शिफ्ट कर दिया गया है और एक नया आईसीयू वार्ड इधर बना दिया गया है। उसके लिए भी लगातार पूरी टीम लगी हुई है यहाँ। किस प्रकार आप देखेंगे सभी जो घायल गौ माता हैं उन सभी को यहाँ लाया गया है, जो खड़ी नहीं हो सकती उनके लिए अलग वार्ड बना करके रखा गया है और जो बाकी की गौ वंश हैं उनको यहाँ खुले में दूसरे स्थान पर छोड़ दिया गया है। उनकी पानी की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है और सभी के चारे के लिए अलग अलग जो गोल वाले डले हैं ऐसे डले सबके लिए रख दिए गए हैं जहाँ सबको चारा खिलाया जाएगा। और इसी के साथ एक दुखद सूचना भी ये है कि ये जो गौ वंश है कल रात को इस गौवंश ने रोड एक्सीडेंट में यहाँ आई थी, इसके दोनों जो पीछे के बैकबोन की आसपास के दोनों पैर कार्य नहीं कर रहे थे तो इसने अपने प्राण जो है वो त्याग दिए हैं कल रात को। अभी जेसीबी के द्वारा हम इसको अंतिम संस्कार इसका करेंगे, मिट्टी देंगे, दवाएंगे। और यह भी एक बात है कि यहाँ ज़्यादातर जो भी आईसीयू वार्ड में जो गाय होती हैं आप अधिकतर देखेंगे तो सब बड़ी ही कमज़ोर या बड़ी क्रिटिकल स्थिति में होती हैं और इनको बचाना बहुत ही मुश्किल है। वेटनरी की लाइन में मैं बात करूं, डॉक्टरी लाइन में बात करूं, तो इन केसों में काफ़ी आप देखेंगे इस गाय को यहां तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया और इसको पूरे शरीर पर बेड सोर यानी कि जख्म होने लग गए हैं। इसका पैर एम्प्यूट भी कि हमने किया था, वो पैर वहाँ देखेंगे आप, तो ये 1-1.5 महीने से लगातार यहाँ कष्ट में है। इसका उपचार यहाँ पर चल रहा है पर लेकिन मैं सीधे तौर पर कहूँ तो इसकी बचने की जो संभावना है वो 0% है। चाहे प्रभु की इच्छा से 10 दिन जिए, 20 दिन जिए, 1 महीने और जिए, पर लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस स्थिति में हम कुछ कर भी नहीं सकते। मशीन से भी उठाते हैं तो भी गौवंश खड़ी नहीं हो पाती है, अपने ही स्थान पर यहीं उसको कष्ट जो है वो सब इसको यहीं पर ही भोगना पड़ रहा है। और ल्यूथनेशिया एक प्रोसीजर बताया गया है साइंस के अंदर कि ऐसे जीवों को जब हमें पता है उनका कोई उपचार नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनको हम इंजेक्शन दे करके परम गति तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ गौ सेवा धाम में इस कार्य को नहीं किया जाता। हम प्रयास करते हैं कि जब तक उसका जीवन प्रभु की इच्छा से है तब तक वो अपना जीवन जिए, हम उसमें कुछ अपनी ओर से इंजेक्शन वगैरह से उसके जीवन के साथ कुछ नहीं करते। हम प्रयास करते हैं, सेवा करते हैं जितनी हमसे हो पाती है। जैसे कि अभी डॉक्टर्स टीम क्या कर रही है, सभी गौवंशों को एक स्थान पर पड़े पड़े वो लगने भी लगती हैं, बेड सोर हो जाते हैं या ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो इसको अब ये एक स्थान से दूसरे स्थान जिसको हम पलटी बोलते हैं पलटी करते हैं और साथ में उनको तकिया लगा रहे हैं। एक एक करके सभी गौवंशों को ऐसे बिठा देते हैं, उनको तकिया लगा देते हैं, साथ की साथ जो मट्टी है उसको बदल देते हैं। गौ सेवक भी इसमें लगे हुए हैं लेकिन बात वह जरूर है कि इस पूरे वार्ड की मैं बात करूं तो पूरे वार्ड में से 10% या 15% गाय बचना जिनका बहुत मुश्किल है। केवल कुछ ही गाय बच पाती हैं क्योंकि ज़्यादातर जो गौवंश हैं उनकी जो बीमारी है वो ऐसी है जिसका कहीं भी वेटनरी साइंस में कहूँ या फिर आप चाहे किसी भी लेवल पे बात कर लो, कहीं भी उनका इलाज बहुत मुश्किल है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं मैं इनसे ही पूछता हूँ, डॉक्टर साहब थोड़ा सा कार्य को एक मिनट आप मुझे बताएं कि जो गौवंश या आईसीयू वार्ड में है इनको ज़्यादातर क्या बीमारी है और इनका इलाज संभव है या नहीं है? देखो कुछ तो गाय ऐसी है जिनका इलाज हो सकता है और कुछ गाय जैसे स्पाइनल कॉर्ड क्रैक हो गया या पैर फैल गए उनका इलाज नहीं है, उनकी सेवा कर सकते हैं अपन। और कुछ गाय रोड एक्सीडेंट की आती है जिसके पैर में फ्रैक्चर होता है या पैर टूट गया होता है, या तो हम उसका एम्पुटेशन कर देते हैं
या फिर प्लास्टर होने लायक हो तो प्लास्टर करके उसको खड़ा करके उसको ड्रिप वगैरह देके बचा लेते हैं फोर्कलिफ्ट से और इससे। हाँ। तो जैसे कि लगभग जो गाय आप बचा लेते हो वो तो मुझे लगता है सारी गाय हमारी इधर ही है। हाँ। पर मैं बात कर रहा हूँ केवल आईसीयू वार्ड के अंदर ज़्यादातर जो ये गाय हैं इनको जो बीमारी है वो क्या बीमारी है और उसका मतलब क्या समाधान है या नहीं है? देखो जो स्पाइनल कॉर्ड क्रैक गाय आती है ना उनका तो कोई समाधान है नहीं, और उसके अलावा जो वीकनेस में गाय आती है जो खड़ी नहीं हो रही है तो इनका हम क्या, जैसे जिनका समाधान नहीं है उनका क्या ट्रीटमेंट या क्या करते हैं अभी हम? उनको तो सिर्फ हम ताकत के इंजेक्शन और पेन किलर वगैरह दे सकते हैं और इधर उधर उनको बिठाना होता है जो कि अभी कार्य चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, यही मैं आपसे कंफर्म कराना चाह रहा था कि ज़्यादातर जो ये गाय हैं जिसमें बेसिकली मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रील की हड्डी या आप कहें हिप्स यानी कि जो यहाँ से कूला होता है, इवन ये ह्यूमंस में भी यहाँ से ये कूले की यदि दिक्कत आ जाए तो बहुत क्रिटिकल वो केस हो जाता है उसको बचाना। लेकिन यहाँ गौवंश में हम प्रयास करते हैं मशीन के द्वारा, फोर्कलिफ्ट मशीन है उससे खड़ा करके, अभी तो थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है 2-3 दिन से कि सारी गायों को यहाँ नया आईसीयू वार्ड बनाया है, यहाँ पर मैनेज करने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ की जो मट्टी है वो जमना रेता नहीं है, ये थोड़ी सॉफ्ट मट्टी है। फिर भी यहाँ लगातार जो गौ सेवक हैं उससे सेवा में, सफाई में, डॉक्टर्स हैं वो ट्रीटमेंट में। और एक गौवंश ये है जिसके सींग में कैंसर है और कैंसर सींग से बढ़कर के आगे अंदर ब्रेन तक पहुंच गया है। अब आप इसकी कंडीशन देखें, इसके मुंह से लार नाक से भी निकल रही है और इसकी कंडीशन की मैं बात करूं तो बिल्कुल दूर से ही देखने में लगेगा कि ये बचना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन अब जब तक यहाँ गौ से बदाम हॉस्पिटल में हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसकी सेवा करें, पलटी करें और इसको तकिया लगाएं, एक गौवंश आईसीयू वार्ड में अभी कुछ दिन पहले ही आई थी जिसके पैर में नीचे चोट थी, उस चोट का ट्रीटमेंट किया गया तो ये धीरे धीरे, अभी डॉक्टर ने इसको थोड़ा सा सहारा लगाया तो थोड़े सहारे के बाद ये अब चलने लगी है, खड़ी भी हो गई है और थोड़ी थोड़ी आगे चलती है। तो ऐसे ही पूरे वार्ड के अंदर इतनी सारी ये गौवंश हैं, उनका इसी प्रकार लालन पालन किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। अभी एक बार पलटी करने के बाद जैसे इस गौवंश को यहाँ पर पट्टी होनी है, ड्रेसिंग होनी है, तो जैसे ही डॉक्टर टीम पूरी एक बार पलटी कर देगी फिर इसकी ड्रेसिंग स्टार्ट कर देंगे। उधर दूसरी तरफ जो और सारे गौ सेवक हैं, जो जितने भी हमारे अंधी गौ माता के वार्ड थे, कैंसर वार्ड थे, उन सभी गायों को एक ही स्थान पर लाया गया है। तो वहाँ जो भी ये गौ सेवक लोग हैं वो आप देखेंगे सारा जो गोबर मट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाल करके उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, और जो भी गोबर इकट्ठा हो रहा है वो सब अभी हम एक ये ट्रॉली में, ट्रैक्टर ट्रॉली में इकट्ठा करके आगे एक स्थान पर डाल देते हैं। तो ये लगातार सेवाएँ हैं गौ सेवाधाम हॉस्पिटल की जो यहाँ से आप लगातार लाइव देख रहे हैं। काफ़ी ऐसे भक्त हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं और ये लाइव जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। प्लस मैं आपसे निवेदन कर दूं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं तो इस ऐसी सेवा यदि आप खुद आपको भावनात्मक लगता है कि ऐसी अच्छी सेवा है तो आप इसको लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, लोगों को भी दिखे कि हाँ इतनी बड़ी एक डॉक्टर्स की टीम है, एक ऐसा समाज भी है। वैसे आज कल हमने उसके बारे में भी थोड़ा बताया था, आज ईद है, बकरा ईद है, तो एक तरफ जहाँ ऐसा समाज है जो आज इतने सारे जीवों की हत्या के लिए तैयार है और आज उनकी हत्या भी होगी, समाज एक ऐसा भी है जो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बिल्कुल ऐसा है जिन गायों की कंडीशन बिल्कुल ख़राब है और जो आज नहीं तो कल 1-2 दिन में अपना प्राण त्यागेंगी, फिर भी वो अपनी जिद पर हैं, अपने भाव से हैं कि लगातार उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान बदल के चारा पानी यहीं खिला करके सभी गायों को यहीं वो उनकी सेवा कर रहे हैं। बहुत भक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सन्नी जी हैं, सोनू गर्ग जी, आलोक जी, राजेंद्र जी, बंटी नायक जी, आप सभी सेवा को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि और भी लोग जो हैं वो ऐसी सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्लस इससे फ़ायदा क्या होगा, जो हमारे आसपास के लोग हैं जब वीडियो कहीं अच्छे जगह पर जाएगी और कहीं ऐसी जगह पर जहाँ गौवंश के इलाज की ज़रूरत होगी तो उन्हें ये पता होगा कि गौ सेवाधाम हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ बीमार गौ माताओं का उपचार किया जाता है। तो वो जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो हमारे आसपास 60-70-80 किलोमीटर तक लोग जो हैं उन गौवंशों को यहाँ ला सकते हैं, उनका उपचार किया जा सकता है।
और ऐसा भी नहीं है 60-70 किलोमीटर, जो लोग दूर से भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी हिमाचल साइड से काफ़ी ऐसी गौवंश आती हैं यहाँ जिनका उपचार नहीं हो पाता है, उनको हम यहाँ लेकर के आते हैं। जैसे इस गौवंश को अभी हमारे गौ सेवक डॉक्टर श्याम जी हैं, उन्होंने इसको थोड़ा सा सहारा दिया और धीरे धीरे अभी ICU वार्ड में धीरे धीरे चलने लगी है। छोड़ दें आप इसे, और इसके सींग में पहले कैंसर जैसी यहाँ समस्या थी तो वो अभी निकाल दी गई है, ड्रेसिंग इसकी आज होनी है और ये आप देखेंगे ICU वार्ड में चलने लगी है। यही एक मेहनत होती है, यही एक प्रयास होता है गौ सेवकों का, यहाँ पूरे स्टाफ का, डॉक्टर्स का, जो दिन रात लगे रहते हैं इसी कार्य के लिए कि इस वार्ड में से कम 10% 20% गाय ऐसी हों जो बच सकें। उनके साथ पूरी दिन रात मेहनत की जाती है, उनके साथ उनको चारा पानी की कार्य किया जाता है, तो वो सभी, वो हमारी जो गौवंश हैं उनको हम बचा सकें। और विश्राम में यही निवेदन आप सभी से रहेगा, अभी जो आज सुबह की लगभग जो लाइव जैसा दिखा था वो आपको यहाँ दिखा दिया गया था, और कुछ दिन पहले इस गौवंश के लिए भी एक वीडियो डाली थी। होता क्या है, ये जर्सी गाय है, क्लियरली आप लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जर्सी गाय आदमी घर में ज़्यादातर, और ज़्यादातर क्या 100% सिर्फ इसीलिए रखता है कि वो इसका दूध निकाले और दूध का उपयोग करे। किंतु अब ये जर्सी गाय HF गाय हाइब्रिड इसको बोल सकते हैं हम, इस गाय के पैर में यहाँ चोट आई और जिसको हम हिप्स डिसलोकेट ही बोल देते हैं, कि यानी कि इसका जो कूल्हा है वो उतर गया। पर्सनल गाय है लेकिन यहाँ ये गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में हमारे ही क्षेत्र से लाई गई, और क्या बोल करके लाई गई कि ये आवारा है, बेसहारा है, ये किसी की नहीं है, घर के बाहर पड़ी थी, इस तरीके के आदि आदि जो झूठ शब्द हैं वो बताए गए। किंतु हमें पता है, और जो भी देख रहा होगा वो व्यक्ति अपने आप अनुमान लगा सकता है, ये 100% घर की गाय है, दूध के लिए रखी गई थी। किंतु इस प्रकार झूठ बोल करके लोगों की जो मानसिकता है वह बहुत ही दुखद है। मैं निवेदन करूंगा अपने क्षेत्र के लोगों से, आसपास के, और जो भी लोग श्रवण कर रहे हैं, इस प्रकार का भाई झूठ बोलना बिल्कुल गलत है, आपके घर की गाय है। तो गौ सेवाधाम हॉस्पिटल कभी मना नहीं कर रहा कि हम उसका उपचार नहीं करेंगे, हम उसका उपचार करेंगे, आप उसे लेकर के आए। यहाँ दानपात्र रिसेप्शन के ऊपर एक रखा गया है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी दवाइयाँ 1,500, 2,000, 2,500 के आसपास लगेंगी, या तो आप दवाइयाँ ले आइए, और यदि आपकी कुछ दवाइयों की साथ दवाइयों के लिए आप सामर्थ्य नहीं है तो कुछ सेवा जो आप कर सकते हो वो डोनेशन बॉक्स में डाल दो। तो बिल्कुल ऐसा है ही नहीं कि यहाँ बिल्कुल आपको कोई, यदि पर्सनल गाय है तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, पैसा लगेगा, लेकिन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है, बस उसको थोड़ी सी परेशानी हुई घर से बाहर निकाल करके और झूठ बोलना शुरू कर दिया, पर्सनल है जी, हमारी पर्सनल नहीं है, बेसहारा है जी, बेसहारा है। कितना दुखद है, ये अपने घर में आपने एक जीव को पाला और आज जब उसको ऐसी समस्या है, आपकी ज़रूरत है, आज आप उसको बेसहारा बता देते हैं, आप उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, हमने देखा है, घर से बाहर, घर के बिल्कुल बाहर उसको थोड़ा सा दूर करके और धूप में छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि ये धूप में पड़ी हुई है, खड़ी नहीं हो रही, हमारी नहीं है, किसी और की है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप उसको गौवंश को ला करके आप उसका उपचार करा सकते हैं, जिसके लिए आप यदि सामर्थ्य नहीं है तो आपसे एक रुपया नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो नकारात्मक सोच है उसको बदलें, आप खुद भी बदलें, अपने अड़ोसी पड़ोसी में आपको कोई ऐसा लगता है, ऐसा व्यक्ति कोई कर रहा है तो उसकी भी मानसिकता को बदलें। यही आपसे मेरा निवेदन रहेगा वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोग ऐसी जो भावनात्मक बातें हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गौ सेवाधाम हॉस्पिटल के आसपास कभी भी आप गुजरें, होडल हरियाणा में ये हॉस्पिटल है, तो आप कभी भी यहाँ से गुजरें तो ज़रूर आएं, गौ माता की सेवा का दर्शन करें और अपने हाथों से गौ माता की सेवा करें। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।